हेलो दोस्तों, नमस्कार। उजाला बुटीक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो है हमारी लटकन। ये लटकन है, इन्हें हम लहंगे में कैसे टाँकें और किस तरीके से इन्हें बांधें डोरी में। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, तो कृपया करके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। और अगर जो लोग नए हैं, जो भी हमारी माताएं, बहनें, भाई वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशनल मिलता रहे और हम अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिलाई से ये डोरी को टाँक लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, हम डोरी को टाँक लेते हैं। डोरी को कम से कम यहाँ जॉइंट से 3 अंगुल नीचे टाँकेंगे, तो ऐसे करके सिलाई से हम टाँक लेंगे। इसमें सिलाई लगा देंगे तो मालूम नहीं पड़ेगी, ना ऊपर टाँका दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये सनील है, सनील में सिलाई ऊपर नहीं दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम इस साइड में भी सिलाई को लगा लेते हैं। आज ये डोरी मेरी टक के तैयार हो गई है। अब हमें लटकन कैसे बांधें, आपको सबसे बेहतरीन तरीका हम आपको सिखाने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई भी इससे अच्छा तरीका नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये हमने अपने खुद सोच के और अपने दिमाग से ये तरीका निकाला है दोस्तों। ना कहीं हमने देखा है, ना कहीं कॉपी किया है, सिर्फ अपने दिमाग से बनाने का ट्रिक निकाली है, तो इसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कम से कम 3 मोतियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों, मोती कहाँ पे लगेंगे, आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि तीनों मोती कहाँ पे लगेंगे। तो दोस्तों, पहला तो मोती हमारा ये लगेगा इसमें, यहाँ पे ऐसे करके दूबर कर लेते हैं। दूबर करने के बाद मोती इसमें पिरो लेंगे और ये इसके अंदर फंसा दिया। दोस्तों, ये पहला मोती मेरा यहाँ पे लगेगा, देख सकते हैं ऐसे करके। अब ये दोनों मोती ये कहाँ पे लगेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें तब आपको पता चलेगा कि मोतियों को का क्या उपयोग करेंगे और कैसे इन्हें लगाएंगे। दोस्तों, पहला मोती एक डोरी में डाल लेते हैं, ऐसे करके डाल लिया। उसके बाद दूसरा मोती इस डोरी में डाल लेंगे। दोस्तों, ध्यान से देखना, डोरी मोतियों का बहुत अच्छा यानी कि रोल है लटकन बांधने में। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम लटकन को इनमें एक एक करके दोनों में टाँकेंगे। कैसे टाँकेंगे दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना, ऐसे करके फंदा लेना है, ऐसे करके एक डोरी में फंसा लेंगे, ऐसे करके फिर एक और ऐसे करके फंदा लगाएंगे। दोस्तों, ध्यान रखें, ऐसे करके हमें फंसाना है। दोस्तों, देख सकते हैं, दोस्तों इतनी डोरी रखें, चाहे इससे थोड़ा और कम कर लें, अपनी चॉइस है ये। दोस्तों, अब हमें क्या करना, ऐसे करके यहाँ पे करके और एक टांका लगा लेंगे इसमें। तो दोस्तों, ऐसे करके टांका लगा लेंगे। दोस्तों, ऐसे करके हमने टांका लगा लिया है, तो ऐसे करके हम दूसरे इसमें भी डोरी को लगा लेंगे, सेम वैसे ही लगाएंगे। दोस्तों, इसमें भी हमने फंदे लगा लिए हैं। दोस्तों, जितना लंबा ये था, इतना लंबा हमने ये कर लिया। दोस्तों, यहाँ पे भी हम ऐसे करके और टांका लगा लेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं, हमने ये ऐसे करके टांके लगा दिए। अब आप देखेंगे कि हमारे मोती कहाँ से आएंगे और क्या काम करेंगे मोती। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ये हमारे मोती हैं, दोनों मोती एक एक करके नीचे खसकाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये मोती हैं तो मोतियों को इनके जॉइंट के ऊपर ऐसे करके डाल देंगे। दोस्तों, ये मोती मेरा पहला फंस गया यहाँ पे, ऐसे। दोस्तों, ये वाला भी मोती ऐसे करके फंसा लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक गांठी लगा देंगे। अब गांठी कहाँ कैसे लगेगी वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, टेसल्स टाँकने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, इसके अलावा कोई नया तरीका
नहीं बताएगा दोस्तों, देख सकते हैं अब ये टजल हमेशा के लिए टक गई है, कभी यहाँ पे खुलेंगे नहीं। मर्जी आए तो आप खोल सकते हैं लेकिन अपने आप नहीं खुलेंगे दोस्तों। ऐसे करके इन्हें भी हम टाँक लेंगे ऐसे करके। देख सकते हैं दोस्तों, तो ये हमारे टसल्स टक गए हैं। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने टाँके हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।